नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 2022 यानी कि भारत 2022 बुक में। दोस्तों हम इसमें जो टॉपिक करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे और एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो डेली कार्यक्रम चलेगा वो 10 सूत्रीय एजेंडे पर आधारित होगा। छोटी सी वीडियो लेके आएंगे जिसमें 2-4 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको 10 फैक्ट बता दिए जाएंगे। आपको ये फैक्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो एनसीईआरटी में मिलेंगे, ना किसी मजीद हुसैन की बुक में, या कोई भी एम लक्ष्मीकांत कहीं भी नहीं मिलेंगे। इनकी उपज केवल यही है, ठीक है। चलो आ जाओ। भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है, ये तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। 28 स्टेट हैं और 8 इंडिया में यूटीज हैं। जोन की बात करते हैं तो भारत को 6 जोन में डिवाइड किया जाता है, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। नॉर्मल क्या सोचते हैं, जैसे दिशा है वैसे ही जोन, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट, और दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज सेंट्रल। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल। तो ये 6 जोन है जिसमें भारत को बांटा गया है। अब ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट की बात करते हैं। अब ग्रेट डेजर्ट है उस वो जो डेजर्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है और ये नई चीज़ होगी आपके लिए। जो ग्रेट डेजर्ट है वो रन ऑफ कच्छ का और लूनी नदी, ये दोनों मिलकर ग्रेट डेजर्ट का निर्माण करते हैं। और जो लूनी नदी बेसिन है और ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का जो क्षेत्र है ना इंडिया में, ये देखो ऐसे जो इंडिया है, यहाँ राजस्थान है, और इंडिया से पाकिस्तान का जो एरिया लगता है, यहाँ सिंध प्रदेश है पाकिस्तान का। तो सिंध प्रदेश पाकिस्तान का और राजस्थान का जो, ये दोनों जो बॉर्डर एरिया मिलके किसका निर्माण करते हैं, ग्रेट डेजर्ट का निर्माण करते हैं, क्लियर है। उसके बाद लिटिल डेजर्ट की बात करते हैं। लिटिल डेजर्ट राजस्थान के ये 2 जिले हैं जिसमें रोड जोधपुर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसे एक बार अभी यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसमें दिया गया था कि ये राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। और 2 जिले कौन से थे, एक तो था जैसलमेर और एक था बाड़मेर, ठीक है, इन 2 जिलों में स्थित है। और जबकि लिटिल डेजर्ट कहाँ स्थित है, जैसलमेर और जोधपुर। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 घाट है इंडिया में, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में। ईस्ट घाट जो ईस्टर्न साइड में और वेस्ट घाट जो वेस्टर्न साइड में, अब इन दोनों को जोड़ने की एक नॉर्थ जो पॉइंट है उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। तो ये दोनों का जुड़ाव बिंदु है। वेस्टर्न घाट जो है, जो वेस्टर्न घाट का साउथ ही साउथ जो पार्ट है, साउथ साउथ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है दक्षिण में वो कहाँ तक है, तो वो है कार्डेमम पहाड़ियाँ, याद रखना। अब यूपीएससी यहाँ गेम क्या खेल सकता है, वो ये देगा कि ईस्ट घाट का एक्सटेंशन पार्ट कहाँ तक है, कार्डेमम तक। तो सभी क्या सोचेंगे, सभी साउथ में सोचेंगे और करेक्ट करके आ जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, जबकि वेस्ट का एक्सटेंशन कार्डेमम हिल्स है केरला में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, अब यहाँ कुछ ये सीखने को मिलता है कि जो एनसीईआरटी और अन्य बुक्स में दी गई है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, वो यहाँ नहीं दी गई, यहाँ अलग है या नहीं है, यहाँ आपको सीखने को मिल सकता है। जैसे जिया बरेली है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पुथुमारी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और पगलाड़िया वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी, धनसिरी और मानस, ये तीनों तो आपने पढ़ी ही होंगी। बराक की भी सहायक नदियाँ हैं, बराक नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली नदियाँ हैं, और किसमें ये, किसमें पद्मा में, किसमें आके मिलती हैं, थोड़ा सा बताओ यार मुझे, ठीक है। तो बराक की जो सहायक नदियाँ हैं वो माकू, तराम, ताइवई, तुईवई और जीरी सोनाई, रुकनी, कथकल, धलेश्वरी, लांगाचीनी और माडुवा और जतिंगा। रटलो वही है ना, ये रटलो आप अच्छे से इसको। और यदि बात कर रहे हैं कि कोस्टल रिवर की बात करें, अब यहाँ छोटा सा एक कंसेप्ट दिया गया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसमें ये बोलता है कि भारत का जो ईस्टर्न जो क्षेत्र है जैसे बंगाल की खाड़ी, और वेस्टर्न जो क्षेत्र है जो अरब सागर है, तो ये बोलता है कि जो ईस्टर्न वाला क्षेत्र है ना, ईस्टर्न कोस्ट है, और कोस्ट होता है तटीय एरिया, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट से जो नदियाँ ज़्यादा निकलती है, ये बोल रहा है कि भारत में जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आके गिरती हैं, इस तरह से इधर इधर ज़्यादा नदियाँ आके गिरती हैं, जबकि इधर कम नदियाँ आके गिरती हैं। इधर मुख्य मुख्य गोदावरी, कृष्णा, 4-5 नदियाँ महत्वपूर्ण है, जबकि छोटी छोटी नदियाँ वेस्टर्न कोस्ट पे है जाकर ज़्यादा गिरती हैं। नॉर्मल यदि हम लॉजिकल वे से सोचें तो लगता है कि ईस्ट में ज़्यादा गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं है जी हाँ, मोर जो रिवर है वो वेस्ट कोस्ट पे आके गिरती है। चलो, और वेस्ट कोस्ट पे आने वाली जो नदियाँ हैं उसका मैं थोड़ा सा, वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख जिसे एस्चुरी भी बोलते हैं। और जबकि ईस्टर्न कोस्ट वाली जो नदियाँ हैं,
ये जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सॉरी कोस्ट वाली जो नदियाँ हैं जिसमें कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, ये जो नदियाँ हैं ये क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और डेल्टा आपको पता ही है त्रिभुजाकार एक स्ट्रक्चर होती है, और वेस्ट वाली जो नदियाँ हैं वो सेंचुरी बनाती हैं, बस एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है डेजर्ट रिवर। डेजर्ट में डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? रूपेन मरुस्थलीय नदी है, मेछू मरुस्थलीय नदियाँ हैं, लूनी एक मरुस्थलीय नदियाँ हैं, सरस्वती भी मरुस्थलीय नदी है, और बनास भी मरुस्थलीय नदी है, और घग्गर भी मरुस्थलीय नदी है। उसके बाद फ्लोरिस्टिक जोन की बात करें भारत में। फ्लोरिस्टिक जोन यानी कि देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है फ्लोरा, एक होता है फ्योना। अब फ्योना होता है ना जिसमें एनिमल किंगडम होता है, ठीक है, जो भी जीव जंतु वगैरह होते हैं, जबकि फ्लोरा में होता है प्लांट किंगडम जिसमें पादप फूल वाले पौधे ये सब आते हैं। भारत में 8 टाइप के फ्लोरिस्टिक जोन है, उसको देखते हैं कैसे हैं। इंडिया में एक तो वेस्टर्न हिमालय हो गया और एक ईस्टर्न हिमालय हो गया, और उसके बाद ईस्टर्न हिमालय के पास में नीचे का जो क्षेत्र है आसाम का जो मैदानी भाग हो गया, ठीक है, और गंगा, इंडस और गंगा का जो मैदान हो गया, इंडस और गंगा का ये जो मैदान हो गया, इंडस मैदान क्यों? भारत में भी इंडस का मैदान पड़ता है क्योंकि सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं जिसे रावी है, जो व्यास है, ये भारत में ही बहती है दोस्तों, ठीक है। और ये क्षेत्र हो गया, एक हो गया दक्कन का, दक्कन का तो आपको मालूम ही है जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, और अंडमान और निकोबार, ये इंडिया है और यहाँ अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो ये इस तरह से आठ ये जो फ्लोरिस्टिक जोन हो गए, और ये आठ जो फ्लोरिस्टिक जोन है ये 2% भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है ना उसको, एरिया है उसको कवर करते हैं, और ये 7.5% वर्ल्ड की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो जैविक विविधता है, एक तरीके से स्पीसी जातीय विविधता है, वो 7.5% दुनिया का कवर करता है। देखो यार कितनी मतलब प्राउड वाली बात है। अब यदि सेंसस की या जनगणना की हम बात करें तो 1872 में पहली बार ब्रिटिश भारत में जनगणना हुई थी, और ये जनगणना किसने करवाई थी ये आपके लिए क्वेश्चन है। थोड़ा सर्च करो यार, गूगल वगैरह आदर डालो सर्च करने वाले, हिंदी मीडियम वाले तो वैसे भी कम सर्च करते हैं। उसके बाद सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें तो जनगणना कौन करवाता है? ये करवाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या ऐसे बोल सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस। ये ऑफिस किसके तहत है? ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और आपको तो मालूम ही है अमित शाह, ठीक है। और अब वर्तमान में जो अभी तक ऑलरेडी जो पहले जनगणना हो चुकी है वो 2011 में हुई है, और 15वीं जनगणना इसको बोलते हैं, और इसमें बताया गया था इसके मुख्य इंपॉर्टेंट डेटा ये थे कि भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ है, जबकि भारत में सेक्स रेशियो है यानी लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो बच्चों का है उसमें और भी गिरावट थी, 1919 थी, 919 थी, जबकि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 382 लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और अब आगे देखो कि लिटरेसी 73%, देखो हमारा ये अभी तक का इतना अचीवमेंट है, और ये धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ, और ये 10 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, होप आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है, और यदि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।